सभी दर्शकों को राम राम। मैं संदीप नोखवाल अभी हिसार के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूं। समित मामले को अभी 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से किसी भी व्यक्ति को संदेह के तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया है। और अभी भाई साहब भी मौजूद है, कुछ नए जो तथ्य है, जो पहले बातचीत थी उसके बाद कुछ नए तथ्यों का पता चला है। जैसे कि परिवार पूरी तरह से एविडेंस की जो है ऑडियो भी यहां पर मीडिया के सामने जारी कर चुका है, और एविडेंस के बाद जो कुछ नई बातें जो है पता चली, और भाई साहब इस बात का खुलासा कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शकों का कि आपने एक पीड़ित परिवार की आवाज़ बनकर आए हैं, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो भाई साहब, जो बातें मीडिया के सामने आ चुकी है, उन बातों को छोड़ते हुए कुछ नए तथ्य पता चले हैं, जैसे कि नए तथ्यों का खुलासा हुआ है, वो नए तथ्य कौन से हैं? देखिए, नए तथ्य ये हैं कि हमारे जो सूत्र हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, और इस मर्डर के अंदर 5 से 7 लोग शामिल है, और एक गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। तो जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, क्या गाड़ी जो आपने पूरी तरह से जांच की है गाड़ी वगैरह, क्योंकि हर एरिया में सीसीटीवी वगैरह भी होते हैं, ये कहीं कोई बात है या पूरे तरह से आपके इसके भी एविडेंस है आपके पास? देखिए, ये दोपहर से पहले की बातें हैं जो हमारे पास सूत्रों से आई थी। अब जाकर हम उन तथ्यों को भी खंगालेंगे कि इसमें कितने लोग शामिल हैं। मतलब पुलिस से पहले पीड़ित परिवार इतना बड़ा खुलासा कर देगा, पुलिस के पास इतने सारे तंत्र होने के बावजूद भी पुलिस जो है ना जाँच में जाँच को आगे नहीं बढ़ा रही। क्यों नहीं बढ़ा रही? पुलिस किसी न किसी दबाव में है। पुलिस जो है ना, एक जातिवादी और नकारात्मक जो रवैया पुलिस का है वो बड़ा निंदनीय है। तो इसमें है ना खुलासा यही है कि सुमित ने जो है ना सुसाइड नहीं किया, सुमित की डेथ, उसको सुमित का मर्डर हुआ है, और मर्डर करने वाले उसके जो जानकार हैं, लड़की के भी जानकार हैं और सुमित के भी जानकार हैं। तो इसमें 5 से 7 लोग शामिल हैं, और क्योंकि सुमित के पास जो कॉल आए थे लड़की के, वो 9 नंबरों से आए थे, दोनों 9 नंबर, जो लड़का और लड़की के पास फ़ोन थे, दोनों पास फ़ोन पुलिस के पास है। उसके अलावा जो और नंबर थे ना, तो परिवार को पता, नए हमारे को पता, जो आज हमारे को नए 2 नंबर मिले हैं, तो पुलिस को वो भी देंगे ताकि उनकी CDR निकलवाई जा सके और तथ्य और सामने आ सके। और हम जो CCTV हैं उस गली के अंदर, हमें तो यही पता लगा है कि गाड़ी CCTVों से दूर खड़ी की गई है, और फिर बाद में पैदल गए हैं वो लोग वहाँ। तो अभी देखने वाली बात है कि पुलिस प्रशासन को जो कार्रवाई करनी चाहिए थे, वो भाई साहब पर्सनली तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं, सबूतों को एविडेंस को खुद कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से नहीं तो अभी तक ऐसी कार्रवाई की जा रही है, नहीं कुछ चीज़ों का खुलासा किया जा रहा है। तो भाई साहब, कुछ मकान मालिक से आपने बातचीत की, वो मकान मालिक ने कुछ नए चीज़ों को बताया, वो 3 महीने के दौरान क्या क्या हुआ था? मकान मालिक से भी बातचीत की थी। मकान मालिक ने बताया कि 3 महीने के दौरान लड़की ने 3 बार खाना बनाया। पहली बात तो ये खाना नहीं बनाती थी, दूसरी बात घर का जितना काम है कपड़े धोना, अन्य और काम वो सुमित से जहाँ मतलब टॉर्चर करके करवाती थी, तीसरी बात कुछ और अन्य लोग भी उनके पास आना जाना था, और लड़की ने उन्होंने बताया कि 4 दिन इस घटना से 4 दिन पहले भी उसके भाई से इंस्टाग्राम चैटिंग पे बातचीत की है। तो परिवार के लोग इसमें शामिल हैं, अन्य लोग इसमें शामिल हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा कि हम मीडिया के सामने नहीं आएंगे और पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा देंगे। पुलिस ने उनको भी बुलाया है, 2-3 जो वहाँ पर मोहल्ले में जो लोग हैं ना, उनके पड़ोसी, उनको भी बुलाया, हर मकान मालिक को भी बुलाया है कि वास्तव में ये लड़की टॉर्चर करती थी, हर रोज़ रात को ड्रामा करती थी रूस कर जाना, और बिल्कुल ये कहती थी कि दीदी मेरे ससुर तो है ना करोड़पति हैं, मैं सुमित को कहती हूँ कि तू पापा से 5-5, 10-10 हज़ार रुपये क्या मांगता है, तू पापा को बुला ले, मुझे 1,50,000 की इकट्ठी शॉपिंग करवा देगा, तू पहले तो 1,00,000 रुपये लेके आता था, 20-25 हज़ार रुपये में अपना काम चलेगा। मतलब उसकी जो मानसिकता थी वो पहले से सेट करके आई थी कि मैंने पैसे ऐंठने का काम करना है, बात खत्म, प्यार वार और ये शादीवादी है कि ये ढोंग था। तो इस चीज़ को लेकर अभी तक जो आप प्रशासन से आपने कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि आपको आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो है प्रशासन की तरफ से कोई भी संकेत नहीं, नज़र नहीं आ रहे हैं? देखिए, DSP के जो हैं विनोद शंकर, मेरी परसों से ही बात हुई थी, उनको भी मैंने कहा कि पीड़ित परिवार सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहता है। हम उस केस के आई विटनेस हैं, उससे पहले जो झगड़े हुए हैं, जाति सूचक गालियां लड़की ने दी है, उसके हम आई विटनेस, हमारे 161 के बयान आप रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे? उसके बाद जिस थाने में ये मुकदमा दर्ज है उसके SHO से मेरी बात हुई, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कि हम सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, 161 के बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, बतौर ऑडियो रिकॉर्डिंग हमने प्रशासन को दी है, ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन पता नहीं ये चाहता है कि इनके बयान ले लेंगे या ऑडियो रिकॉर्डिंग ले लेंगे या सप्लीमेंट्री ले लेंगे, तो जाँच का दायरा आगे बढ़ाना पड़ेगा, और आगे बढ़ाएंगे तो पता नहीं हमें इनकी गिरफ्तारी करनी पड़ जाए। पुलिस के ऊपर किसी न किसी बड़े नेता का दबाव है, और मुझे लगता है कि 5 से 7 लोग जो शामिल है, कोई बड़े अधिकारी का बेटा इसमें शामिल ना हो, मुझे ऐसा लगता है।
तो ये ठीक है भाई साहब, ने सभी तथ्यों को जो सामने रखा, कुछ तथ्य जो है पहले भी आप हमारी वीडियो में देख चुके हैं और कुछ जो है एविडेंस आप ऑडियो के माध्यम से वीडियो में देख चुके हैं। तो भाई साहब कुछ बात रह गई हो, कुछ और चीज़ रहेगा तो आप मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं और प्रशासन को जो है गुजारिश करूँगा जल्द से जल्द इस मामले को कार्रवाई करें, दोषियों को सज़ा मिले। देखिए पत्रकार महोदय जी, कार्रवाई तो पुलिस ने करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी हमने 15-15 दिन यहाँ आंदोलन चलाए हैं डेड बॉडी के साथ, तो पुलिस ने कार्रवाई करनी पड़ी है। मैं दबाव की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पुलिस हरियाणा के अंदर जो है ना एक मतलब दबाव मानती है, एक जात का भी और एक पॉलिटिकल दबाव प्रशासन, तो उसके ऊपर दोनों तरीके का दबाव है। तो पुलिस ने कार्रवाई करनी पड़ेगी। और कल हमने हरियाणा के गृह मंत्री जो न्याय, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं जनता का न्याय करता हूँ, उसका हमने पुतला फूका था और रोष प्रदर्शन शहर के अंदर निकाला था। आज जो है प्रशासनिक अधिकारियों के कुछ तबादले हुए हैं, जिसकी वजह से आज हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था। कल हम ADGP के कार्यालय का घेराव करेंगे और प्रजा को न्याय न देने वाले राजा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला दहन करेंगे, उसकी शव यात्रा निकालेंगे। पुलिस ने न्याय देना पड़ेगा, जांच को आगे बढ़ाना पड़ेगा, सुमित को न्याय देना पड़ेगा, परिवार को न्याय देना पड़ेगा और दबंग दोषियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलो ठीक है भाई साहब, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि जो है सुमित की पत्नी किस प्रकार से 3 महीने के दौरान मानसिक तौर पर जो डिमांडों के माध्यम से जो है सुमित को प्रताड़ित किया जा रहा था, यही एक वजह भी हो सकती है जो है सुमित, जिसके कारण सुमित ने सुसाइड किया हो या कुछ अन्य वजह है। इस चीज़ को लेकर तो जो है पुलिस प्रशासन को एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेगा, जो काम भाई साहब कर रहे हैं वो पुलिस प्रशासन को काम करना पड़ेगा। और यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस मामले का जो निपटारा प्रशासन करे। बने रहिएगा आजमिन 24 न्यूज़ के साथ, मैं संदीप नोखवाल, कैमरामैन सुभाष चिंपा के साथ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हकी प्रति शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, दबंग दोषियों को गिरफ्तार करो, दबंग दोषियों को गिरफ्तार करो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो। जो ये गुंडागर्दी है, जो ये गुंडागर्दी है, नहीं डरेंगे घुरकी से, नहीं डरेंगे घुरकी से, नहीं डरेंगे घुरकी से।